गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी विल अंडरस्टैंड MS Excel. वी ऑफ मीनू बार इन एक्सेल प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू एक्सेस वेरियस कमांड इन द ईजी एंड कन्वेंट वे. द कन्वेंट्स ऑफ एनी मीनू बार कैन बी डिस्प्लेड बाय क्लिकिंग ऑन द मीनू नेम विद द लेफ्ट माउस बटन. वेरियस मीनूज ऑफ एक्सेल आर फ्लोस होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा रिव्यू एंड व्यू. एंटरिंग फॉर्मूलाज. व्हेन एंटरिंग न्यूमेरिकल डाटा यू कैन कमांड एक्सेल डू एनी मैथमेटिकल फंक्शन. स्टार्ट ईच फॉर्मूला विद एन इक्वल साइन इक्वल टू एंटर द सेम फॉर्मूला फॉर ए रेंज ऑफ सेल यूज द कलर साइन कॉलम साइन. MS Word में हम जब भी कोई फार्मूला यूज करते हैं तो वो हम इक्वल टू के साइन से उसे यूज करते हैं. अगर हमें प्लस का फार्मूला उसमें लगाना है तो हम सबसे पहले इक्वल टू का साइन लेंगे. अगर हम उसमें मल्टीप्लाई का फार्मूला लगाते हैं तो हम इक्वल टू का साइन लेते हैं. डिवाइड का लगाते हैं तो इक्वल टू का, माइनस का लगाते हैं तो इक्वल टू का साइन लेंगे. कोई भी हम उसमें फार्मूला लगाते हैं तो इक्वल टू का साइन हमें सबसे पहले उसमें यूज करते हैं, तभी उसमें हम फार्मूला लगाते हैं. एंटरिंग फार्मूला. सबस्ट्रैक्शन फार्मूलाज टू सबट्रैक्ट सेल्स यूज द माइनस साइन. डिवाइड फार्मूला टू डिवाइड सेल यूज द स्लैश साइन. मल्टीप्लिकेशन फार्मूला टू मल्टीप्लाई सेल द यूज द स्टार साइन. अगर हम माइनस के फार्मूला लगाते हैं तो हम उसमें माइनस का साइन लगाते हैं. अगर हम डिवीजन का फार्मूला हमें लगाते हैं तो उसमें हम स्लैश का साइन लगाते हैं. और अगर हम उसमें मल्टीप्लाई का फार्मूला लगाते हैं उसके मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार का यूज करते हैं. अगर हमें उसमें प्लस करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं. फिर हम उसमें लिखते हैं सम, SUM सम. फिर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं. फिर हम सेल का नंबर लिखते हैं, कौन सी सेल को हमें प्लस करना है. जैसे हमें A1 सेल को ऐड करनी है तो हम लिख देंगे A1 प्लस. फिर हम अगर B1 को उसके साथ प्लस करना है तो हम लिख देंगे प्लस B1. उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं. जैसे हम इतना कमांड उसमें करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है. तो इस तरह से हम फार्मूला उसमें यूज करते हैं. उसी तरह अगर हमें माइनस का लगाना है तो हम करेंगे इक्वल टू. और अगर हमें A1 सेल में से B1 को माइनस करना है तो हम लिखेंगे इक्वल टू. फिर हम लिखेंगे SUB. फिर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे सेल का नंबर, लिखेंगे A1, फिर माइनस का सिंबल, फिर हम लिखेंगे B1, फिर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे तो वो फिर वहाँ से माइनस हो जाएगा. इस तरह से हम फार्मूला लगा लेते हैं. और एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, उसमें हम क्या करें, इक्वल टू का साइन लगाएंगे. डायरेक्ट हम नंबर लिख लेंगे, कौन सा नंबर से या सेल का हम नंबर लिख लेंगे, किस में से हमें कौन सा माइनस करना है और फिर हम एंटर कर देंगे तो भी फॉर्मूला वर्क करता है. डाटा एंट्रिंग. टू हाईलाइट ए सीरीज ऑफ सेल्स क्लिक द एंड ड्रैग द माउस ओवर द डिजायर्ड एरिया. टू मूव ए हाईलाइटेड एरिया क्लिक ऑन द बॉर्डर ऑफ द बॉक्स एंड ड्रैग द बॉक्स टू द डिजायर्ड लोकेशन. यू कैन सॉर्ट डाटा अल्फाबेटिकली, न्यूमेरिकली एट्सेट्रा बाई हाईलाइटिंग सेल्स देन प्रेसिंग द शॉर्टकट कीज. जब हम किसी डाटा को हाईलाइट करते हैं तो हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं सेल्स को और फिर वो हाईलाइट हो जाती है और उसको हम मूव भी कर सकते हैं और उसे हम कॉपी भी कर सकते हैं. जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो फिर हम कॉपी कमांड, जैसे कंट्रोल सी होता है, उससे हम कॉपी भी कर सकते हैं. और फिर हम उसे पेस्ट करना है तो जहाँ पे हमें पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक कर देंगे और कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे तो वहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा. इस तरह से कॉपी पेस्ट कमांड भी हम दे सकते हैं. सेलेक्टिंग ए ग्रुप ऑफ सेल्स. ए ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड सेल्स इज कॉल्ड रेंज. द रेंज इज आइडेंटिफाइड बाई द रेंज रेफरेंस. फॉर एग्जाम्पल A3 to A5.
जब हम सेल को, सेल के किसी ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं तो उसे रेंज कहते हैं। तो हमें कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करना है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं माउस से, या फिर हम एरो कीज़ों से सेलेक्ट कर लेते हैं। और ऊपर जो फॉर्मूला बार है वहाँ पे हमें नंबर दिखाई देता है कि कौन से नंबर से हमने, कौन से नंबर, किस नंबर तक हमने सेल को सेलेक्ट किया है। जैसे कि इसमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, हमने A3 सेल से सेलेक्ट किया है और फिर हमने किया है C5 तक, तो उसका वो नंबर आ गया AC to A5, तो वहाँ तक हमने सेल को सेलेक्ट किया है। तो इस तरह हम सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम उसमें कमांड दे देते हैं। अगर हमें कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, डिलीट करनी है, उसमें कलर करना है, उसमें हमें बॉर्डर देना है, या हमें उसमें कुछ और कमांड करनी है, तो वो सारा कमांड हम वहाँ पे दे सकते हैं। सेल का हम विड्थ बढ़ा सकते हैं, उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, उसमें बॉर्डर दे सकते हैं, और भी जो भी हम कमांड उसमें देना चाहते हैं, तो वो सब कमांड हम वहाँ पर सेल को सेलेक्ट करके दे सकते हैं। चेंजिंग डाटा इन द सेल, यू कैन एडिट, रिप्लेस और क्लियर डाटा। यू कैन एडिट सेल डाटा इन द फॉर्मूला बार और इन द सेल। द कंटेनेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल ऑलवेज अपियर इन द फॉर्मूला, इन द फॉर्मूला बार। टू रिप्लेस सेल डाटा सेलेक्ट द सेल, टाइप न्यू डाटा एंड प्रेस एंटर बटन ऑन द फॉर्मूला बार और द एंटर की और द टैब की। द क्लियर द एक्टिव सेल, यू कैन यूज़ द रिबन, द कीबोर्ड और द माउस। हम क्या कर सकते हैं, सेल को एडिट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें डाटा क्लियर कर सकते हैं, सेल का हम नाम लिख सकते हैं और उसमें फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, उसमें जो डाटा है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसे हम चेंज कर सकते हैं, उसमें नया डाटा फिल कर सकते हैं, और उसमें हम ग्राफ ले सकते हैं, और भी हम बहुत सारी कमांड उसमें दे सकते हैं। नॉर्मली जो हम एक्सेल में वर्क करते हैं, इसमें कैलकुलेशन वर्क होता है, इसमें हम टेबल बनाते हैं, और जो भी कैलकुलेशन वर्क होता है उनमें हम फॉर्मूला लगा के इजीली उस वर्क को कर सकते हैं। इसलिए इस वर्क को हम MS एक्सेल में करते हैं, और नॉर्मली जो टाइपिंग जो वर्क होता है उसे हम MS वर्ड में करते हैं, क्योंकि वो उसमें ईजी होता है टाइपिंग वर्क, वो हम उसमें MS वर्ड में ईजीली कर सकते हैं, और उसमें उसकी अकॉर्डिंग हम कमांड दे सकते हैं। और जो कैलकुलेशन वर्क होता है वो हम एक्सेल में करते हैं, क्योंकि इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं और इजीली हम जल्दी से वहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगा के हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि हमें MS वर्ड में करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम एक्सेल का यूज कर सकते हैं, इन सारी कमांड के लिए हम एक्सेल यूज करते हैं, और एक्सेल में ये सब फैसिलिटी होती है। इसमें सेल और ये इसमें सारी सेल्स होती हैं जो कि कॉलम और रो से मिलकर बनी होती है, इसी के अकॉर्डिंग हमें इन पे वर्क करना होता है। ओके क्लास, थैंक यू।